हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान। इन दिस वीडियो मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, जैसा कि आज एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक टू एवरी कैंडिडेट। ऑल्सो मैं चाहता हूं कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें, कोशिश करें उसे सही करने का। ऑल्सो मैं इसमें आपको एक ट्रिक भी फॉलो करवाने वाला हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ट्रिक। और इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपको सब कुछ आता है यकीन कीजिए, और आप इस एग्जाम में हर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक टू एवरी कैंडिडेट। आई होप कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा इस एग्जाम के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज डू दिस थिंग, एंड अगेन वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरी कैंडिडेट। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस लगभग 100 होते हैं, लेकिन इस एग्जाम में 80 का अराउंड है, तो मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। ए बी सी डी के 25 होते हैं परसेंट इन ईच, तो उसमें 100 का होता है तो 25 होते हैं, और जैसे कि इसमें 80 हैं तो आपका 20% हर क्वेश्चन का आंसर होगा। ए भी आंसर होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप काउंट कर लीजिए कि आपके कितना स्कोर कर चुके हो। मतलब पहले आपने जो भी आपको आता है वो अटेम्प्ट करके आप काउंट कर लीजिए कि कितने बी हैं, कितने सी हैं, और ए और डी। फिर आप आइडिया लगा सकते हैं, जिसके कम रह रहे हैं उससे आप सभी ऑप्शंस में रख सकते हैं। हो सकता है कि वो आप में से सही हो, लेकिन जो भी आपने अभी तक किया हो वो सही होना चाहिए ताकि इसका आइडिया अच्छे से लग पाए। ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर बी और सी होता है, तो आप उसे इग्नोर ना करें कि अगर आपको नहीं आता है तो बी और सी में आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कंटिन्यू काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आते हैं और फिर भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप एक ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तीन क्वेश्चंस जो भी हैं उन्हें आप क्या तो बी 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 कर लो, क्या सी 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 कर लो। तो इस तरीके से आप तीनों को एक साथ करो। चार और पांच मत करना भाई, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं जस्ट आपसे यही चाहता हूँ कि आप तीन तक सिंगल अप्लाई कीजिए, आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा एट द लास्ट। सो दिस इज द ट्रिक, प्लीज फॉलो द ट्रिक इफ यू वॉन्ट।